खास करके अब आप सब संस्कृत वाले हैं, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना घूमना ये सब क्या है, सब ना फारसी है ना अरबी है, ये है संस्कृत। इसलिए घबराइए नहीं, जो लोग देशभक्ति के लिए आपसे पूछते हैं उनको हाथ हिला के कहिए मेरा सब प्रेम संस्कृत का है, तेरा प्रेम किस चीज का। तब सूझना, सूझने का मतलब होता है फूलना, मेरा पैर सूझ गया, मेरी आंख सूझ गई, मेरा हाथ सूझ गया है ना। तो जब कोई चीज फूलती है तो उसका हजम बढ़ जाता है, और जब कोई चीज फूलती है तो उसका आकार भी बढ़ जाता है। तो सूजा वो है कि जर्रा आए और फूल के जाए। सूजा क्या है? आया जर्रा ना काबिले दीद, इसको देखना मुश्किल था, इतना बारीक था, ये तो शायद की निगाह में उसे फुला दिया, अपने घास सूज गया है। फिर कुछ और तशरीह होगी बाद में, रहने दीजिए। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी 18 दिन में खिलाफत पा गए, सबको बड़ी शिकायत की कि महीनों और बरसों से पड़े हुए हमें खिलाफत तो मिली, इनको खिलाफत मिल गई, लड़के फड़के को खिलाफत मिल गई। तो शायद तो जानते थे कि क्या हो, चर्चा तो होगी है ना, जिसकी जिसकी बीमारी है सब सूझे है ना, तो जो बीमारी पता नहीं चलती थी वो फूल गई, पूरी तो पता चलने लगी है ना कि इसको सांजर है, इसका पैर फूल गया है ना। तब क्या हुआ, शायद ने सबको बुलवाया, 5 बरस से जो ठहरा हुआ था उसको भी बुलवाया, 3 बरस वाले को भी, 18 महीने वाले को भी, और 18 दिन वाले सबको बुलाया, और हादिम से कहा एक एक कबूतर सबको दे, सबको एक कबूतर एक कबूतर एक कबूतर एक कबूतर एक कबूतर करके। शायद ने आंखें चार की और कहा इसे ले जाओ, जमा करके लाओ, लेकिन खबर था कोई देखे नहीं, जाओ उसे जमा करके लाओ, लेकिन खबर था कोई देखे नहीं। थोड़ी देर 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर एक एक करके समा दे, 5 बरस वाले जमा करके लाए, 5 महीने वाले जमा करके लाए, 18 महीने वाले जमा करके लाए, सब जमा करके ले आए। सबसे आखिरी में बेचारा 18 दिन वाला जिंदा कबूतर लेके हाजिर है। पूछा क्या हुआ, कहा हुजूर क्या हुआ, बड़ी पशेमानी है कि हुक्म की पाबंदी न हो सके। कहा अरे अब सब हंसने लगे, इसको खिलाफत मिली है, मामूली से हुक्म न मान सके, और खिलाफत देने को सबसे आगे थे। और शाह ने पूछा आखिर क्या हुआ तुम्हारा, कहा हुजूर नहीं हो सकने वाला, अब क्यों नहीं हो सकता, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ कोई न देखे, जहाँ कोई न देखे। अब सब हंसने लगे, ठहाका लगा, तो हम लोग कैसे जमा करेंगे, हम लोगों को जगह मिल गई इनको न मिली, असल में 18 दिन में सब सोना देखा भी नहीं होगा है ना, हम लोग तो कोना कोना देखने में सुधार चाहिए, उधर पीछे तौंदी के तरफ तौंदी के पीछे चले जाएंगे, और उधर मस्जिद है मस्जिद के पीछे चले जाएंगे, झाड़ी है कि किसी झाड़ी में जाकर जमा कर देंगे, कौन देखते हैं। हजरत ने पूछा क्या मामला है, कहा उजीन ज़करिया मुल्तानी ने कहा हुजूर आपने कहा था कि खबरदार कोई देखे नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की कि नजर से बचा ले, लेकिन अल्लाह की नजर से ना बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अय्युहल लदीना अल्लाह से शर्माना सीखो, असल शर्माना उसी से है, बाकी को देख के भी नहीं देख सकता है और वो बगैर देख के भी देख रहा है। लेकिन ये आसान नहीं है, मैं चौक कर रहा हूँ, कपिल को बहुत समेट रहा हूँ, वरना इन कपिल नाम पर मिसालें अभी चलती, लेकिन वक्त नहीं है, आप कहिएगा कहाँ से मुरसल से आ गए, पटना से आए उसका बदला यही है, इतनी दूर से आए इतनी लंबी तकरीर, तो तकरीर लंबी नहीं करनी, बात को शॉर्ट करना आसान नहीं है ना। आपने शायरी में कभी कभी देखा होगा कि पहले मिसरे में जो कुछ कहा जाता है वो दूसरे मिसरे का नतीजा होता है, पहला मिसरा सुन के बात समझ में नहीं आती,
जब तक के दूसरा मिसरा नहीं सुनता, दूसरे मिसरे का नतीजा होता है पहला मिसरा, वहां पहले जाता है और नतीजे की वजह बाद में आती है। इसके लिए दो टुकड़े अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह फरमाया, तो अल्लाह ताला ने ये सोच समझ के आपसे कहा है, मालूम है कि आप परेशान हो जाइएगा कि कैसे लजाए अल्लाह से, कैसे शर्माए अल्लाह से, कैसे डरे अल्लाह से। तो सुनो, जब कभी परेशानी हो, घबराहट हो, उलझन हो, तो दूसरा टुकड़ा पढ़ना, वो लज्जा के हासिल करने का जरिया है। कोनो मासादी या युहल्लजी नामनु तकुल्ला, सच्चों का साथ पकड़ो, सच्चों का साथ पकड़ो, ए ईमान वालो अल्लाह से शर्म सीख जाओ। और जब तक तुम साथ नहीं पकड़ते, तुमको ये शर्म और अल्लाह का डर महसूस नहीं होगा, कभी हासिल नहीं होगा। अब एक लतीफ बात, उलमा बैठे हैं यहां, अल्लाह ताला ने फरमाया कोनो मास सादिकी, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का साथ पकड़ो, सच्चों का दामन पकड़ो। ये अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा? अल्लाह ताला को तो ये कहना चाहिए था अल्लाह बेटा, अल्लाह से पना तलब करते। हम लोग चूंकि पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में सब शक्लें लानी पड़ती है, तब जाके तो लबा को पढ़ाई का पता होता है। अल्लाह ताला ने यूं क्यों कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ? अल्लाह सुब्हानहू ताला को तो ये कहना था कि तुम भी सच्चे हो जाओ, तुम भी सच्चे हो जाओ, तुम भी सच्चे हो जाओ। किसी नौजवान को देख के मौलाना कहे कि तुम किसी आलिम के साथ हो जाओ, तो मेरे जैसा आदमी तो टोक देगा, हजरत कहिए कि आलिम हो जाओ, ये क्या कह रहे हो कि आलिम के साथ हो जाओ? अरे कहिए कि तुम जवान हो, पढ़ो लिखो, आलिम हो जाओ, ये आलिम के साथ हो जाओ, ये क्या कह रहे हैं? कोनो मेहनत सादिकीन कहना था तो अल्लाह तआला ने कोनो मास सादिकीन क्यों कहा? नए तलबा से ज्यादा तवज्जो की उम्मीद है। कोनो मेहनत सादिकीन क्यों नहीं कहा, कोनो मास सादिकीन क्यों कहा? ये क्यों ना कहा कि तुम भी सच्चे हो जाओ, तुम भी सच्चे हो जाओ, तुम भी सच्चे हो जाओ? ये क्यों कहा कि सच्चे के साथ हो जाओ? जी हाँ, इसी में जवाब पोशीदा है आयत करीमा का हल। अल्लाह से बेहतर हमको तुमको कौन पहचानता है? कौन जानता है? वो खालिक है, वो मालिक है, वो अच्छी तरह जानता है कि हमारी तुम्हारी इस्तेदाद और कुदरत क्या है। उसे मालूम है कि सब सच्चे नहीं हो सकते, तो सच्चे नहीं हो सकते तो झूठे हो, और इनका नतीजा दोजख हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये निशाना नहीं कि सबको दोजख भेजते, सबको जहन्नम जाओ, जहन्नम जाओ, जहन्नम है ना, ये निशाना नहीं है परवरदिगार। तो परवरदिगार ही इसका हल में निकाल सकता था कि जब सब सच्चे नहीं हो सकते तो इनके बचने की राह क्या होगी? वो एक ही राह है कि परवरदिगार ने फरमाया कोनो मासा, तुम सच्चे नहीं हो सकते हो, किसी सच्चे का दामन पकड़ लो कि उस सच्चे के साथ तुम नीम पत्तों पर निकल जाए। तुम्हारे दोस्तों और अजीजों, ये कोनो मासा यकीन की जो तौजीह है, वक्त तफसील करने से मैं सिर्फ एक किसान देता हूं। ये जो सोहबत है हजरत की, हजरत सैयद गुलाम हुसैन जी लानी कादरी नसब नक्शबंदी मशरक, इनकी सोहबत से जो फायदा आपको पहुंच रहा है, कभी सोचा है आपने कि कहां के जीलानी और कहां हम जैसा दरदानी, इस दरदानी को जीलानी से क्या फायदा होगा? मेरी असलियत तो दरदानियत है और वो असलन जीलानी है, तो फायदा होगा कि नहीं? कहां हम कहां वो, मन को जाओ तू को जाओ, कहां हम कहां तुम,
جی ہاں جب اللہ نے حکم دیا تو اس نے معیت اور صحبت کی تقدیر بھی بدل دی اور کہا یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے یہ میرا معاملہ ہے, تو صرف سخت ہو جاؤ, پکڑ تو لو, وہاں تو لو, پھر ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال, آپ نے کانٹی تو دیکھیے, کانٹی کیل, پتہ نہیں راجستھانی میں کیا کہتے ہیں, کیل بولتے ہیں, کیل کانٹی, کبھی کبھی اس میں پیچ ہوتا ہے, پیچ وشال گولا بنا رہتا ہے, اس کو پیچ کہتے ہیں, اسکرو کہتے ہیں, اس کو اگر پانی کی سطح پر رکھیے, کٹورا ہو, گلاس ہو, بالٹی ہو, پانی کی سطح پر کیل رکھا نہیں بھی ڈوب جائے, کیل کو رکھا اور ڈوب گیا, لیکن بالکل طے اچھا چلا. اگر کیل کے بجائے ہم کوئی لکڑی کا ٹکڑا رکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ لکڑی کا ٹکڑا بجائے کیل کے ڈوبا نہیں بلکہ تیرتا ہوا آگے بڑھ گیا. تو دو باتیں پتا چلی کہ کیل کی فطرت ہے ڈوبنا اور لکڑی کی فطرت ہے تیرنا, ہے نا. اب اسی کیل کو اس لکڑی میں ٹھوکو, اس کیل کو لکڑی میں ٹھوکو, ڈوبنے والے کو تیرنے والے میں ٹھوکو, اب ٹھوک کے لکڑی کو پانی کی سطح پر رکھا تو آپ مشاہدہ کریں گے کہ لکڑی اپنی فطرت کے مطابق تیر رہی ہے اور ڈوبنے والا ٹھکایا ہوا تیر رہا ہے. ڈوبنے والا تیرنے والے سے چمٹا پکڑے دھرے پائے بس چلا جا رہا ہے تیرتا, اور آپ حیرت سے دیکھ رہے ہیں ارے اس کو تو ڈوبنا تھا, یہ تیرنے والے کے ساتھ سٹ کے کیسے تارا جا رہا ہے. اچھا دیکھ دلچسپ, اللہ تعالیٰ نے یہاں جمع کیسے کر کے استعمال کر دیا, اب تو حضرت کو پکڑا تو پورو باس صادق کہا, اس صادقی کو یاد رکھو. جتنی جماعت آج دنیا کے پٹل پر, دنیا کے دھرتی پر, دھرتی کی سینے پر انگڑائی لے رہی ہے, وہ سب اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ سب کو چھوڑ دو ہم کو پکڑنا ہے, ہم صحیح ہیں, اولیاء کو چھوڑو, ائمہ کو چھوڑو, اصفیاء کو چھوڑو, شہداء کو چھوڑو, صدیقین کو چھوڑو, صالحین کو چھوڑو, حدیث کو چھوڑو.